माइनिमेज कौशिक एंड वी आर डूइंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की और आज का जो टॉपिक है वो है ऑल वर्क्स बाय शेक्सपियर इसमें हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट जिसमें कि हम शेक्सपियर के सारे वर्कस हम लोग करने जा रहे हैं सो थर्टी सेवन में से हम कुछ वर्क्स ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में नाव वी आर गोइंग टू डू थर्ड पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका एज यू जो फर्स्ट आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ड्रामा वो है आपका एज यू लाइक इट जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपको सबसे पहले जो जेनर है वो पता होना चाहिए कि किस जेनर में आता है सेकेंड की इसका जो ची सोर्स कौन सा है ये याद रखिए और उसके बाद समरीज एंड कैरेक्टर्स तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं एज यू लाइक इट के बारे में ये है आपका एक कॉमेडी तो अगर हम जेनर की बात करेंगे तो कॉमेडी है इसका जो चीप सोर्स है वो क्या है आपका लॉज का रोजेलिन रोजेलिन एक वर्क है जो थॉमस लॉज ने लिखा था थॉमस लॉज कौन है आपका यूनिवर्सिटी अब स्टोरी के बारे में बात करते हैं यहां पे एक कैरेक्टर आपका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है फ्रेडरिक फ्रेडरिक हैज असर्वड द डोमिनियन ऑफ द ड्यूक हिज ब्रदर एंड हु इज लिविंग विद हिज फेथफुल फॉलोअर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन तो जो फ्रेडरिक है उसने क्या कर दिया है जो डोमिनियन है किसका ड्यू का अपने जो उसका भाई है उससे और वो जो ब्रदर है फ्रेडरिक का वो कहाँ रह रहा है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन राइट वहां वो अपने फॉलोअर्स के साथ में रहता है अब जो सीलिया है वो फ्रेडरिक की डॉटर है वो एंड रोजलिन द ड्यूक्स डॉटर रोजेलिन और सीलिया दोनों क्या है फ्रेंड भी है और दोनों को दोन दोनों कहाँ रहते हैं फ्रेडरिक के कोर्ट में रहते हैं सो so रिमेंबर की रोजेलिन के फादर कहाँ हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्ट में है विटनेस रेस्लिंग मैच विथ ऑलेंडो तो दोनों के दोनों देखते हैं ऑलेंडो को एक रेस्लिंग मैच में सन ऑफ सर रॉलेंड डी बॉयज जो ऑलेंडो है किसका बेटा है सर रॉवलेंड डी बॉयज का डिफीट्स अ पावरफुल एडवर्सरी एक बहुत ताकतवर एडवर्सरी को अपने वो हरा देता है जो रॉजलैंड है ड्यूक की डॉटर वो उससे प्यार करना शुरू कर देती है विद ऑलेंडो एंड ही विद दोनों के दोनों ऑलेंडो और Rosalind एक दूसरे से क्या करना शुरू कर देते हैं दे स्टार्ट लविंगज बीन लेफ्ट इन दार्ज ऑफिस एल्डर ब्रदर ऑलिवर और जो ऑलेंडो है वो क्या करना चाहता हैज बीन ड्राइव फ्रॉम होम बाई ऑलिटी तो ऑलिवर क्या कर देता है अपने ब्रदर को ऑल ऑलेंडो को वहां अपने घर से निकाल देता है आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है फ्रेडरिक लर्निंग दैट ऑलेंडो इज द सन ऑफ़ सर रावलेंड फ्रेडरिक को जो पता चलता है कि जो ऑलेंडो है वो रावलेंड का बेटा है हु अ फ्रेंड ऑफ एक्साइल ड्यूट ड्यूक और जो रॉवलेंड है वो uh, जो एक्साइल ड्यूक था जिसको जंगल में भगा दिया गया था फ्रेडरिक के द्वारा वो उसका दोस्त है हैज इज एंगर अगेंस्ट दी लेटर रिवाइव एंड पैनिशेज रोजलिन फ्रॉम हिस्स कोर्ट और रोजेलिन को क्या कर देता है वहां से पैनिश कर देता है सीलिया अम्पोनाइज हर और सीलिया भी क्या होती है रोजेलिन के साथ में जाती है सीलिया किसकी बेटी है फ्रेडरिक की रोजेलिन एज्यूम्स अ कंट्रीमैंस ड्रेस एंड टेक्स नेम गेनिमिट और जो रोजेलिन है उसने अपना नाम गेनिमिट रख के खुद को डिस्काइज कर लिया है और सी, सीलिया एलियाना तो एलियाना सिस्टर तो गैनिमेड और एलियाना एक्चुअल में रोजलिन और सीलिया होते हैं दे लिव इन दॉरेस्ट ऑफ आर्डन भी कहां चले जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड फॉल इन लव विथ ऑलेंडो हैज जॉइंट द बेनिश ड्यूक और ऑलेंडो भी कहा चला गया है बेनिश ड्यूक के पास चला गया है गैनिमेड एंड ऑलेंडो टू पे स्वीट टू हेज थ्रू शिवो हिज रोजलिन तो गैनीमेड इनक्रेज करता है आ, करती है एक्चुअली जो गैनीमेड है वो ऑलेंडो के पास जाती है डिस्गइज बन के एंड थ्रू शिवो रोजलिन ऑलिवो कम्स टू दस्ट टू किल ऑलेंडो और जो ऑलिवर है वो ऑलेंडो को मारने के लिए फॉरेस्ट पहुंच जाता है बट इज सेव्ड बाई हिम फ्रॉम लॉयनेस लेकिन जो ऑलेंडो है वो क्या कर लेता है ऑलिवर को बचा लेता है एंड फाइल्ड विद रिमोर्ट्स फील्ड विद सॉरी फील्ड विद रिमोर्स हिस्ल्टी और सोचता है कि मैंने ऑलेंडो के साथ में गलत किया जब उसे ये बात पता चलती है ही फॉल्स इन विद एलियाना और जो ऑलिवर है वो किससे प्यार करने शुरू कर देता है एलियाना से एंड देयर वेडिंग इज अरेन्ज फॉर द नेक्स्ट डे और उन दोनों की जो मैरिज है उसे फिक्स कर लिया जाता है नाउ जो अंडर है वो कहती है ऑलेंडो को कि मैजिक से क्या करेगी रोजेलिन को वहीं पे ले आएगी व्हेन ऑल आर असेंबल्ड जब सारे के सारे वहां पर आ जाते हैं प्रेजेंस ऑफ बेनिस्ट ड्यूक टू सेलिब्रेट द डबल नक्शल जो पे डबल जो शादी हो रही होती है सीरिया एंड रोजेलिन पुट ऑफ देयर डिस्गाइज एंड अपियर इन ओन कैरेक्टर और सीलियर और रोजलिन दोनों अपने आ, खुद की जो उन्होंने डिस्गाइज कर रखा था खुद को उससे वो बाहर आ जाती है न्यूज इज ब्रॉड दैट फ्रेडरिक इज असर फॉर सेटिंग आउट टू सीज एंड डिस्ट्रॉय हिज ब्रदर एंड हिज फॉलोअर अब जो फ्रेडरिक है वो क्या कर रहा है अपने ब्रदर को और उसके फॉलोअर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है टेड फ्रॉम हिज इंटेंशन बाई एन ओल्ड रिलीजियस मैन एंड हैज मेड रेस्टोल्यूशन ऑफ दू किडम और उसे एक जो फ्रेडरिक है उसको एक एन ओल्ड रिलीजियस मैन मिलता है जो उसको उसका हृदय परिवर्तन कर देता है ओके कन्वर्जेशन राधर देन प्लॉट डोमिनेट दिस प्लेस तो कॉन्वर्सेशन सॉरी कॉन्वर्सेशन राधर देन प्लॉट डोमिनेट्स दिस प्ले जो कॉन्वर्सेशन है वो ज्यादा इस प्लॉट को डोमिनेट करता है एक्शन यहाँ पर कम होता है इंक्लूड सच एज अंडर ग्रीनवुड ट्री यहाँ पर ये यह इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए जो ट्री है वो इसी प्ले में यूज होता है और इसको बाद में हार्डी ने थॉमस हार्डी जो बाद में मॉडर्न राइटर थे यूज एज टाइटल ऑफ इज नॉवेल एंड ब्लो ब्लो द विटर फिफ्थ

तो ये आपके सोर्स ऑफ हेमलेट हैमलेट को इन जगह से लिया गया था इन वर्क से लिया गया था ओल्ड हैमलेट अब स्टोरी देख लेते हैं इसकी यहाँ पे आपको कैरेक्टर uh, और स्टोरीज आपको देखनी है तो ओल्ड हैमलेट है और किंग ऑफ डेनमार्क जो किंग ऑफ डेनमार्क है इस रिसेंटली डेड उस मर जाते हैं एंड हिज ब्रदर क्लॉडियस नाउ हैज अजम्ड स है उसने ग्रटिट्यूड से शादी भी कर ली है और जो ओल्ड हैमलेट था किंग था डेनमार्क का वो अब मर चुके हैं अब जो यंग हैमलेट है रिटर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट विटेनबर्ग ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में थे तो वो थे आपके विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी लर्न फ्रॉम द घोस्ट ऑफ इज फादर दैट क्लॉडियस ईयर जो ओल्ड होता है Hamlet, वो अपने बेटे से घोस्ट बन के बात करता है और उससे मिलता है और उसको कहता है कि मेरे जो कान में था वो जहर डालकर मुझे मार दिया गया एंड इज कमांडेड टू अवेंज और क्या करने वाला है अवेंज या रिवेंज लेना है उसके मर्डर का तो याद रखना आप है आप लोगों को जहां पे भी रिवेंज थीम होती है उसे सैनिक इन ट्रेजिडी भी बोला जाता है इंज्योरिंग इंज्योरिंग गर्टिट्यूड विदाउट इंजरिंग गर्टिट्यूड की गर्टिट्यूड को इंजर्ड uh, नहीं करना है ये जो ओल्ड हैमलेट था उसने ये बात कही जो घोस्ट था उसका हैमलेट वॉन्स हिज फ्रेंड होरोशियो एंड द गार्ड मार्शिलस हु हैव बीन सीन अपार्टिशन जो हॉरिशियो है हेमलेट ने अपने फ्रेंड हॉरिशियो और गार्ड मार्सिलियस को भी वॉर्न किया था दैट ही इंटेंड्स टू फेन मैडनेस एंड देम टू सिक्रेसी और उनको कहता है कि मैं क्या करूँगा फेन मैडनेस की पागलपन का एक यू कैन से ही विल डू एक्टिंग एंड नॉट टू टेल एनी वन

he welcomes a troop of visiting player and arranges a performance of play the mouse trap or uh, play within play भी इसको कहा जाता है कि जब एक troop आ रही होती है एक वहाँ पर तो वो एक play performance के लिए तैयार करता है about fratricide तो ये जो होता है fratricide का एक शो करता है उस प्ले में इसी को माउस ट्रैप भी उस प्ले को कहा जाता है एंड क्लॉडियस ब्रेक ऑफ तो इससे क्या होता है इस प्ले को देखते ही जो क्लॉडियस होता है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है और उसे अपना किया हुआ याद आ जाता है इन अपेरेंटली गिल्टी एंड फेयरफुल फ्यूरी वेन प्लेयर ल्यूसियनिस अपियर्स टू मर्डर हिज अंकल बाय पोरिंग पॉइजन इन टू हिज ईयर तो जो प्लेयर था उसे आप याद रख सकते हैं वो था आपका ल्यूसियानिस वो अपने अंकल को क्या करता है आ, उसके कान में अपने अंकल के कान में जह डालकर मारने की कोशिश करता है हेमलेट रेफरेंस फ्रॉम किलिंग द ओल्ड काउंसलर पोलिनियस बिफोर रिप्रमेंडिंग हिज मदर फॉर हर अफेक्शन फॉर क्लोडियस और हेमलेट क्या अपने जो ओल्ड काउंसलर होता है पोलिनियस उसको नहीं मारता बट अपनी मदर के साथ वो काफी बहस करता है उसके बारे में कि तुम क्लॉडियस से शादी कैसे कर सकते हो क्लोडियस हैमलेट टू इंग्लैंड आउट हिम हाउर रिटर्निंग टू डेनमार्क हैविंग द डेथ ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड अब क्लॉडियस क्या करता है कि हैमलेट को कहाँ भेज देता है इंग्लैंड भेज देता है रोजन एंड गिल्ड्रस्टन हु और हिज अंकल्स एजेंट्स दोनों को वहां पर भेजा जाता है रोजन एंड बिल्डर्स इसको आपको याद रखना है दोनों को एज एज एन भेजा जाता है ड्यूरिंग हेमलेट एबसेंस ऑफ्रेलियावर्नमेंट और ऑफ्रेलिया पागल हो जाती है विद ग्रीफ फ्रॉम हेमलेट्स रिजेक्शन ऑफ हर एंड हर फादर्स डेथ उसके फादर की भी डेथ हो जाती है और एंड इज फाउंड ड्रॉन और वो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफ्रेलिया कैसे मरती है तो वो डूबकर मरती है ये आपको याद रखना है हर बदल लाइट इज जो लाइट इज वो फ्रांस से आ जाता है डिटरमाइंस टू अवेंज हिस्स सिस्टर्स डेथ वो सोचता है कि मैं भी क्या करूंगा हैमलेट से बदला लूंगा हर ब्रदर लाइट इज है इज टू बी बरीड एंड फाइट इन अ ग्रेव अब जो वहां पर उसकी कब्र खुद ही होती है ऑफ्रेलिया की उसमें हेमलेट और लाइट इज दोनों के दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं स क्या करता है एक अरेन्ज करता है एक फेंसिंग मैच अरेंज करता है बिटवीन हेमलेट एंड लाइटिस है उसको एक पॉइंजन uh, तलवार दे देता है एंड एक्सचेंज ऑफ वेपन रिजल्ट और क्या होता है लड़ते लड़ते दोनों का जो uh, तलवार होती है वो एक्सचेंज हो जाती है और दोनों के दोनों मर जाते हैं नॉट बिफोर गर्टिट्यूड ड्रिंग अ पॉइजन कप इंटेंडेड फॉर हर्सन जो ग्रेटिट्यूड है वो गलती से जो पॉइजन कप होता है उसको पी लेती है जो कि उसके बेटे के लिए रखा रहता है और किलिंग क्लॉडियस और जो मरता हुआ मरते हुए मरने से पहले जो हैमलेट था उसने क्लॉडियस को भी मार दिया तो इसके साथ ही आप देख सकते हो कि आ, टोटल जितने भी थे उसमें क्लॉडियस हैमलेट पोर्ट ऑफेलिया फस uh, ये सभी उसमें मर जाते हैं अब वहां पे आता है फोर्टीन ब्रास याद रखिएगा प्रिंस ऑफ नॉर्वे था प्रिंस कहा का नॉर्वे का जो प्रिंस है 14 ब्रास वहां पे आ जाता है हुज मिलिट्री हेरोइज्म हैज बीन टू आउट द प्ले अपीयर्स फ्रेश फ्रॉम वॉर्स विद पोलेंड एंड गिव्स हैमलेट अ मिलिट्री फ्यूनरल और हैमलेट को एक मिलिट्री फ्यूनरल के तहत वहां पे जला दिया जाता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट नाइट अब ट्वेल्थ नाइट के बाद में बात करते हैं और इसका जो सेकंड नेम है वो है या सब टाइटल आप इसे कह सकते हैं व्हाट यू विल इट इज अगेन जेनर की बात करें तो ये भी आपकी कॉमेडी है और इमीडिएट सोर्स ऑफ द मेन प्लॉट वाज़ द हिस्ट्री ऑफ अपोलोनियस एंड सीला इन बान बाय रिच रिचे आपका बान रिचेस जो वर्क था रिच इज फेयरवेल टू मिलिटेंट प्रोफेशन इन फिफ्टीन एटी वन यहां से ये आपका इस वर्क का सोर्स है सेबिस्टियन एंड वॉय यहाँ पे जो दो हैं कैरेक्टर आप देखते जाइए ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर क्लोजली रिजेंबलिंग वन अनदर आर सेपरेटेड इन अ अक ऑफ द कोस्ट ऑफ एलेरिया कोस्ट ऑफ एलिया पे जो सेबिस्टिन एंड वॉय है दोनों के दोनों बिछड़ जाते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे जैसे दिखते हैं ब्रॉड टू शोर इन अबाउट डिस्काइज हर सेल्फ एज अरियो जो वोयला है वो सीजेरियो बन गई है एंड टेक सर्विस एज पेज विद ड्यूक ऑरसिनो हु ओलिविया और ड्यूक ऑफ ऑरसिनो जो है वो किससे प्यार करता है लेडी ओलिविया किससे प्यार करता है वोयला उसके आ, साथ में अब काम करना शुरू कर देती है शी रिजेक्ट ड्यूक्स स्वीट एंड विल नॉट मीट हिम ओलिविया मना कर देती है औरसिनो मेक्स कॉन्फिडेंट ऑफ सिजारियो एंड सेंड्स हर टू प्रेस हिस सूट टू ओलिविया ओलिविया से मिलने के लिए भेजता है उसको मस्ट टू द डिस्ट्रेस ऑफ सिजारियो हु हैज फॉलन इन लव विद ऑर्सिनो और जो खुद क्या हो जाती है ऑर्सिनो से प्यार करना शुरू कर देती है ओलिविया इन टर्न फॉल इन लव विथ सीजारियो और जो ऑलि है वो किससे प्यार करनी शुरू कर देती है शिप है लिया जाता है नाउ अराइव इन एलेरिया वो भी एलेरिया में पहुंच जाता है सिजारियो चैलेंज टू अल बाय सर एंड्रू ऑक् जो सर एंड्रियो ऑक्शिक है वो सीजारियो को चैलेंज करता है एक रिजेक्टेड शूटर ऑफ ऑलिविया जो जो कि ऑलिविया ने उसे भी रिजेक्ट किया होता है इज रेस्क्यूड बाय एंटोनियो हु अरेस्टेड एट दैट मूमेंट फॉर एन ओल्ड ऑफेंस एंटोनियो को एक पुराने ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है क्लेम्स फ्रॉम सिजारियो अस दैट ही हैड इंटरेस्टेड टू सिबेस्टियन डिनाइड इट हाउल्ड ऑफ टू प्रिजन और उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है। Cesario, और ऑलिविया ट्रू सिबेस्टियन से मिलती है एंड टेक्स हिम फॉर सीजारियो और सिजारियो की यहाँ पे लेके चलती है ऑरसिनो कम्स टू विजिट ऑलिविया अब ऑर्सिनो जो है वो ओलिविया को विजिट करने के लिए आता है एंटोनियो ब्रॉड बिफोर हिम क्लेम द यूथ ही बोलती है, कि जो है, उसका है। और एंटोनियो क्या करता है वो बोलता है सिजारियो को कि मैंने इसको बचाया था अब दोनों के दोनों एक जैसे दिखते हैं द ड्यूक डीपली वेड बिडिंग फेयरवेल टू ओलिविया एंड सिजारियो वेन द अरावल ऑफ ट्रू सिर्स ऑफ दूजन और जब जो ट्रू सिवेस्टियन आता है वहाँ पर तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, betrayed, वो कहता है कि ने उसको बिट्रे किया है टर्न इज अफेक्शन टू हे आर मैरिड और फिर वो क्या हो जाते हैं दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं मच ऑफ द प्लेस कॉमेडी कम्स फ्रॉम दिस सब प्लॉट डीलिंग विद दर्स ऑफ ऑलिज हाउस होल्ड जो कॉमेडी का जो ज्यादातर सीन आते हैं वो आते हैं सर टॉबी ब्लैच हर अंकल सर एंड्रियो ऑक्चिक्रेंड मॉलविलियोस हर प्रॉम्पस पॉम्पस स्टीवर्ड मारिया हर वेटिंग जेंटल वूमेन एंड हर क्लाउन फेस्ट तो इनके जो ये आ, आपके कैरेक्टर्स हैं उनसे ज्यादातर जो कॉमेडी के सीन्स हैं वो इससे फॉर्म होते हैं एक्सैसपरेटेड बाय मेलवर्स ऑफिशियसनेस the other members of the household make him believe that olivia is in love with him and that he must return her affection in courting her he behaves so outrageously that he is imprisoned as a madman aroskudvara says se jail olivia has him released and joke against him is explained but he is not amused by it threatening i'll be the revenged on the whole pack you द प्ले जेंटल प्लेज जेंटल मैलंकली एंड लिरिकल एटमोसफियर इज कैप्चर्ड इन टू ऑफ द फेस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इसमें जो फेस्ट के दो ब्यूटिफुल सॉन्ग्स हैं वो हैं कम अवे कम अवे डेथ एंड वेन वट आई वॉज आर लिटिल टाइनी बॉय विथ इन हो दिन एंड द रेन सो ये आपके इसमें टू लिरकल सॉन्ग्स थे लिकल सॉन्ग्स के आप अलग लिस्ट बना सकते हैं उन्हें याद कर सकते हैं नेक्स्ट जो है वो है आपका ट्रॉयलेस एंड कैसीडा जो ट्रॉयलेस एंड कैसीडा है ये आपका एक ट्रेजिडी है और इसमें शेक्सपियर्स ट्रीटमेंट ऑफ लव ऑफ ट्रॉयलेस एंड कैसीडा एंड इट्स बिट्रियल अगेंस्ट सेटिंग ऑफ द सीज ऑफ ट्रॉय बाय द ग्रीक्स इज कन्वेंशनल तो ये कन्वेंशनल एक स्टोरी है जो ट्रॉय एंड ग्रीक जो ट्रॉय बाय द ग्रीक्स ने उन्होंने सीज किया था ट्रॉय को तो उसकी जो स्टोरी है ट्रॉयलेस एंड कसीडा में बताई हुई है द प्ले कंटेन्स मच फॉर्मल डिबेट एंड टेक्स द द स्टोरी अप टू डेथ ऑफ अपेक्टर तो यहाँ पे डेथ ऑफ है की बात होती है बाय हैंड्स ऑफ एक्लीज एक्लीज उसे मार देता है किसको हैक्टर को ट्रॉयलेस फेल्स टू किल हिज राइवल डोमेडीज एंड सिनिकली रेलिंग टू डेथ तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके हैक्टर और एक्लीज की स्टोरी ट्रॉयलेस एंड सीरे के बारे में हम बात कर सकते हैं अगर यहाँ पे सिंपली ये होता है कि जो ट्रॉयलेस ट्रॉय है वो फॉल हो जाता है किसके हाथों में ग्रीक्स के हाथों में ऑल वेल्स एंड सु के बारे में बात करते हैं इट इज अगेन अ कॉमेडी और इसको ट्रेजिक कॉमेडी के कैटेगरी में भी रखा जाता है और प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में भी इसको रखा जा सकता है इसके चीफ सोर्स के बारे में बात करें तो बोकेशियोज डेकाम डे मैरन आपको याद रखना है इसमें कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट इज बर्टरूम द यंग काउंट ऑफ रूजिलियन जो बर्टरूम है वो काउंट ऑफ रूजिलियन है ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर इज समन टू द कोर्ट ऑफ किंग ऑफ फ्रांस उसे किंग ऑफ फ्रांस उसे समन करता है लिविंग हिज मदर एंड विद हा हेलेना और जो उसकी मदर है उसको छोड़ के आता है हेलेना के साथ में डॉटर ऑफ द फेमस फिजिशियन जेराडी डी नाबन सो द किंग इज सिक ऑफ डिजीज सेट टू बी इनक्योरेबल और जो किंग है वो इनक्योरेबल uh, डिजीज से जूझ रहा है एंड हेलेना हु लव्स बर्ट्रम जो हेलेना है वो बर्ट्रम को प्यार करती है गोज़ टू पेरिस पेरिस जाती है एंड अफेक्ट्स इज क्योर बाई मीन्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन लेफ्ट बाय हर फादर और क्योर कर लेती है उसको जो कि उसके फादर ने उसे सिखाया था एज अ रिवार्ड शी इज अलाउड टू चूज हर हस्बैंड जब उसे जो किंग था वो चूज़ करने के लिए बोलता है कि आप अपना हस्बैंड चूज कर सकते हैं and names Bertram, who unwillingly obeys the king's order to wed her. Bertram uh, unwillingly, but under the influence of his with the Duke of Florence, writing to Helena that until she can get the ring from his finger, which never shall come off, and is with the child by him, she may not call him husband. Helena passing through Florence on a pilgrimage finds Bertram quoting Diana, the uh, daughter of her hostess there, disclosing herself as his wife to them, she obtains permission to replace Diana at a midnight assignation with Bertram. वो Diana को uh, एक एक तरह से replace करने की कोशिश करती है. Having that day caused him to be informed the Helena is dead. और उसी दिन उसको inform करती है कि Helena क्या है? Death है. उसकी डेथ हो चुकी है देर शी ऑप्टेन फ्रॉम बर्ट्रम हिज रिंग और बर्ट्रम से वो क्या कर लेती है उस रिंग कर लेती है एंड गिव्स हिम वन दैट द किंग हैड गिवन हर। और बर्ट्रम को वो दे देती है वो वाली रिंग जो किंग ने उसको दी थी बर्ट्रम रिटर्न्स टू हिज मदर्स हाउस से मदर के हाउस आता है वेयर द किंग इज ऑन विजिट जो किंग है वहां पर आता है द लेटेस्ट इज द बर्ट्रम्स फिंगर्स द रिंग दैट ही हैड गिवन हेलेना अब वो देखता है कि मैंने तो इसको हेलेना को दिया था सस्पेक्ट बर्टरम ऑफ हैविंग डिस्ट्रॉयड हा वो सोचता है किंग uh, सोचता है कि हेलेना ने uh, हेलैना को बर्टरम ने डिस्ट्रॉय कर दिया एंड डिमांड्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पेन ऑफ डेथ और उससे कहता है कि उसके बारे में बताओ हेलना हर सेल्फ नाव अपियर्स हेले वहीं पर आ जाती है एक्सप्लेन वॉट हैज फास्ट and claims that the condition named in Bertram's letter letter have been fulfilled. तो जो Helena को उसने एक दो conditions दी थी कि एक मुझे वो ring चाहिए और दूसरा कि आ, she would be mother of future son. तो वो disguise कर लेती है Diana को और Diana के सामने वो खुद वहाँ जाकर लेट जाती है. So that's why टू कंडीशन वो फुलफिल्ड दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है बर्ट्रम फिल्ड विद रिमोट्स एक्सेप्ट हर एज वाइफ और जो बर्टरम है वो और फिल्ड विद रिमोट्स हो जाता है आप से भर जाता है और उसे अपनी वाइफ कंसिडर कर लेता है दिस सब प्लॉट कंसर्निंग द्रैग पैरल जो इसमें सब प्लॉट है उसमें पैरल भी एक कैरेक्टर होता है हैज़ बीन फेल्ट बाय सम रीडर्स इंक्लूडिंग चार्सफर्स टू डोमिनेट द प्ले मेजफॉर मेजर के बारे में आप बात करते हैं इट इज़ अ ट्रेजिक कॉमेडी मेजफ फॉर मेजर जो है वो एक ट्रेजिक कॉमेडी है चीफ सोर्स की बात करें तो ये जॉर्ज वेट स्टोन प्ले प्रमोस एंड कैसेड्रा प्रॉब्लम प्ले से लिया हुआ है बिकॉज ऑफ द अनप्लीजेंटनेस ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड द कॉम्पलेक्सिटी ऑफ इट्स प्लॉट एंड थीम द ड्यूक ऑफ वियना यहाँ पे जो पहला कैरेक्टर हमने देखा वो है आपका ड्यूक ऑफ वियना ऑन द प्रोटेक्सट ऑफ जर्नी टू पोलैंड हैंड्स ओवर द गवर्नमेंट टू हिज वर्चुअस सीमिंग डिप्टी एंजेलो तो उसका जो वर्चुअस डिप्टी है वो एंजेलो को वहाँ पर रख के आता है हु इन्फोर्सेज स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल लाइसेंस विच फॉर दास्ट फोर्टीन ईयर्स हैव बिन निगलेक्टेड और बहुत ही स्ट्रिक्ट सेक्सुअल लॉज वहाँ पर ले आता है एंजिलो को वहाँ पे छोड़ा होता है ड्यूक ऑफ वना ने ओके okay, वो जा रखा होता है पोलैंड की जर्नी पर आप लोगों को इसे ध्यान रखना है एंजिलो एट वंस सेंटेंस टू डेथ टू क्लॉडियो वो क्लॉडियो को सेंटेंस टू डेथ कर देता है अ यंग जेंटलमैन हु हैज़ गॉट हिज हिस्स जूलिया जूलियाटा विद चाइल्ड उसने जूलियाटा के साथ में उसका एक बेटा होता है इसलिए उसको विदाउट uh, मैरिज सो so, उसको उसने डेथ ऑफ यू नो सेंटेंस टू डेथ दे दी होती है क्लॉडियस क्लॉडियस सिस्टा इससे जो होती है हु इज अ नोविस इन सिस्टरहुड ऑफ नंस वो अभी नंस बनी है नई नई प्लीट्स विद एंजिलो फॉर हर ब्रदर्स लाइफ वो कहती है एंजिलो को कि मेरे भाई को एक तरह से उसे माफ़ी मांगती है और ऑन बाय क्लॉडियोज फ्रेंड लूसियो और क्लॉडियो के फ्रेंड लूसियो से वो हेल्प लेती है इन रिस्पॉन्स टू हर रिपीटेड प्लीज एंजिलो ऑफर्स टू स्पेयर क्लॉडियस लाइफ इफ़ शी विल कंसेंट टू बी हिज मिस्ट्रेस एंजिलो कहता है कि अगर तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओगी तो मैं आपके भाई को छोड़ दूंगा सो ऐसा बेला रिफ्यूज ईसा इस बात के लिए रिफ्यूज करती है विल नॉट बी पर्स्यूटेड इवन बाय द डेस्परेट दी एंट्रीटीज ऑफ क्लॉडियोज इन प्रिजन और ऐसा बेला काफ़ी उसको मना करती है और उसे किया ड्यूक है, है वो एक फ्रायर बन के वहां पर जाता है विजिट टू स्परिचुअल कंफर्ट ऑफ क्लॉडियो एंड नाउ डिवाइज अ वे ऑफ इसाबेला इज टू जो ड्यूक है वो वापस आ जाता है और एक फ्रायर बन के जाता है वो सोचता है कि मैं क्लोडियो की लाइफ को बचाऊंगा ऐसा इज टू एग्री टू अ नाइट असाइनमेंट विद एंजिलो बट हर प्लेस इज टू बी टेकन बाय मैरियाना अब वो कहता है ऐसा बेला से ऐसा बिला बोलती है कि मैं जाकर जो एंजिलो है उससे मिलूंगी रात को बट उसकी जगह मैरियाना को भेज दिया जाता है हु टू हुजिलो एंड स्टिल लव और जो मैरियाना है वो एंजिलो से पहले मिली थी बट एंजिलो ने उसे विथ्रोट कर दिया था और लेकिन वो अभी भी उसे प्यार करती है मैरियाना इज फर्स्ट सीन लिसनिंग टू दिस सॉन्ग टेक ओ टेक तो ये लिप्स अवे सो ये आपको सॉन्ग याद रखना है कि वो इस वर्क में था द स्कीम इज सक्सेसफुल बट एंजिलो द ऑर्डर फॉर क्लॉडियोज एगुक्यूशन जो स्कीम है वो पूरी सक्सेसफुल होती है लेकिन क्लोडियो फिर भी एग्जुक्यूशन के लिए अड़ा रहता है या उस पर बात करता है दो अनोन टू एसाबिलाई दब्स्टिट्यूशन ऑफ द हेड ऑफ द रोगट हु हैजट नाइट इन द सेम रीजन सो सब्सटूशन क्लोडियस सेव्ड इज इसबिला क्लोडियो इज सेव द दिसड ऑफ द रोकोजेंट अ पायरेट उसके हेड की वजह से उसे बचा दिया जाता है क्लोडियो को द ड्यूक क्लेज बाय हिज डिस्काइ रिटर्न टू वियना एंड पिटेंट्स टू डिसबिलीव द कंप्लेंट्स ऑफ एसाबिला एंड स्वीट्स ऑफ मारियाना इन प्यर ऑफ एंजिलियोज हिपोक्रेटिकल डिनाइल तो दोबारा वो जो एंजिलो है उसने मारियाना को मना कर दिया है बट वो एसबिला को अपने साथ चाहता है मैरियाना इज मैरिड टू एंजिलोना फाइनल जो होता है वो मैरियाना जो है एंजिलो से मैरिड हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है एंड लूसियो टू अर और लूसियो जो है उसका एक होर से प्रोस्ट से शादी हो जाती है एंड एट द एंड ऑफ दैफलिंग फाइनल स्पेस ड्यूक कपयस टू प्रपोज मैरिज टू दी नो सबेला विद दिस दिस वर्क एंड्स बात करते हैं ऑथिलो की ऑथिलो या ऑथिलो या मूर ऑफ वेनिस इसका सेकेंड नेम है आपका ये भी एक ट्रेजिडी uh, है अगर हम जेनर की बात करें तो ये एक ट्रेजिडी uh, है परफॉर्म्ड बिफोर जेम्स फर्स्ट एट वाइट हॉल जो इसको परफॉर्मेंस दी गई परफॉर्मेंस की गई थी वो जेम्स फर्स्ट एट वाइट हॉल में की गई थी स्टोरी इज टेकन फ्रॉम जेराल्डी सिंथियोस हैका टॉमेसी और हंड्रेड टेल्स ये स्टोरी का जो सोर्सेस हैं वो ये है आप लोगों को याद रखने हैं द प्लेस फर्स्ट एक्टिस सेट इज वेनिस जो फर्स्ट है वो वेनिस में स्टार्ट होता है ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वर्क कौन से प्लेस uh, पे स्टार्ट होता है डेस्टिमोना जो है इसमें हीरोइन है डॉटर ऑफ बर्बेंशियो ये बर्बेंशियो की डॉटर है अवेनिटियन हैज सीक्रेटली मैरिड ऑथेलो उसने चुपके से शादी कर ली होती है ऑथेलो से अ मूर इन सर्विस ऑफ द स्टेट जो ऑथेलो है वो अभी क्या है ये एक मूर है जो कि अभी सर्विस ऑफ द स्टेट में लगा हुआ है ये एक वॉरियर होता है

Uh, उनके अगेंस्ट वहाँ सीनेट उसे ऑर्डर uh, देते हैं कि आपको इस अटैक में टर्स के अगेंस्ट फाइट करनी है इन दिडल ऑफ द स्टॉम विच डिस्पर्स इज द टर्किलीट क्या होता है कि जो स्ट्रॉम आ जाता है तूफान आ जाता है एंड टर्किस फ्लीट को डिस्पर्स हो जाती हैं ऑथेलो लैंड ऑन साइप्रस विथ डेस्टिबोरा जो ऑथिलो है वो साइप्रस में चला जाता है डस्टबोनो के साथ में कैसियो अ यंग फ्लोरेंटाइन हु हेल्प हिम कोट हिज वाइफ एंड हुम ही हैज़ नाउ प्रमोटेड टू बी हिज लेफ्ट और जो कैसियो है वो उसको क्या कर लिया गया है लेफ्टिनेंट बना दिया गया है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी ऑथिलो की मदद की थी अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एंड यागो अब यहाँ पे आता है एक इंसान और कैरेक्टर यागो एन ओल्डर सोल्जर बिटरली रिजेंटफुल ऑफ बींग पास ओवर फॉर प्रमोशन अब क्योंकि कैसीओ को बना दिया जाता है लेफ्टिनेंट इसलिए जो यागो है वो उससे रिजेंटफुल हो जाता है और हुम नाओ प्लान टू प्लान हिज रिवेंज और वो खुद अब एक बदला लेना चाहता है कि मुझे लेफ्टिनेंट क्यों नहीं बनाया गया यागो यूज रोडेरगो और जो यागो है वो रोडेरिगो को यूज़ करता है गर्ल जेंटलमैन इन लव विद डेस्टिमोना जो रोडेरगो है वो डेस्टिमोना से वो भी प्यार करता था टू फाइट विद कैसियो आफ्टर ही हैज़ गॉट हिम ड्रंक सो दैट ऑथेलो डिप्राइव्स हिम ऑफ हिज न्यू रैंक और जो रोडेरगो और कैसियो की फाइट वो करवाता है और जिससे कि ऑथेलो उसको उसके नए रैंक से हटा दे दैनी पर्सवेड्स कैसियो टू आस्क डेस्टिमोना टू प्लीड इन हिज फेवर विद ऑथेलो और फिर उसके बाद वो कैसियो से कहता है कि डेस्टिमोना को डेस्टिमोना क्योंकि जो कैसियो था उसकी एज अ फ्रेंड उससे मिलता था तो वो कहता है कि आप डेस्टिमोना को कहता है सॉरी कैसियो से कहता है कि आप डेस्टिमोना की हेल्प ले सकते हो ऑथेलो से फेवर लेने के लिए विच ही वार्मली डज और डेस्टिमोना ऐसा करती है एट द सेम टाइम ही सजेस्ट टू अथिलो दैट कैसियो इज़ एंड हैज़ बिन डेस्टिमोनाज लवर और इसी टाइम जो यागो है वो अथिलो से कहता है कि कैस जो कैसियो है वो क्या है डेस्टिमोना की लवर है फाइनली अरेंजिंग थ्रू हिज वाइफ इमिलिया इमिलिया जो है वो यागो की बीवी है हिज वाइफ हु इज डेस्टिमोनाज वेटिंग वुमेन जो डेस्टिमोना के साथ में काम करती है एंड ऑथिलो शुड सी कैशियो इन पोजिशन ऑफ देंक चीफ विच ही हैड गिवन टू हिज ब्राइड और जो ऑथिलो ने हैंक चीफ डेस्टिमोना को दिया था वो हैंका चीफ फाइनली कैशियो के पास वो देखता है ऑथिलो देख लेता है ऑथिलो इज टेकन इन बाईस प्रॉम्पटिंग एन इज़ फ्रेंजीज जेली जेलेसी स्मोदर्स डेस्टिमोना इन हर बैट तो इससे क्या होता है कि ऑथिलो इस बारे में कन्फर्म हो जाता है कि डेस्टिमोना और जो कैशियो है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसी बात को लेकर जो डेस्टिमोना है वो ऑथिलो द्वारा मार दी जाती है यागो सेट्स रोडेरगो टू मर्डर कैसीओ यागो रोडेरगो का कहता है कि तुम कैसीओ का क्या कर दो मर्डर कर दो बट वेन रेडोरगो फेल्स टू डू दिस यागो किल्स हिम और इमिलिया एज वेल आफ्टर शी हैज़ प्रूव्ड डेस्टिमोना इनोसेंस टू ऑथेलो। जब यागो uh, इमिलिया uh, सारी बातें ऑथेलो uh, को बता देती हैं सारा जो ट्रूथ था अपने पति के बारे में यागो के बारे में तो इमिलिया और रोडेरगो दोनों को यागो मार देता है इमिलियाज़ एविडेंस एंड लेटर फाउंड ऑन रोडेरगोज प्रूव यागोज गिल्ट और जो यागो का जो गिल्ट था वो भी प्रूव हो जाता है ही इज़ अरेस्टेड एंड ऑथेलो हैविंग ट्राइड टू स्टैप हिम किल्स हिमसेल्फ और उसको स्टैप कर करना चाहता है लेकिन खुद मर जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ी ट्रेजडी है राइमा वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ दैट दे लुक वेल टू देनन ने आ, ये एक कोटेशन है जो राइमर ने कही थी दिस इज यू कैन टेक नोट ऑफ इट ओके अ वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स दैट दे लुक वेल टू देर लेन ये इस ट्रेजडी के बारे में कही गई है अब जो नेक्स्ट वर्क है वो है आपका मैकबैथ मैकबैथ एक ट्रेजडी है मैकबैथ एंड बैंकओ जर्नल्स ऑफ डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड जो मैकबेथ एंड बैंको हैं दोनों जर्नल्स हैं किसके डंकन के जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड है रिटर्निंग फ्रॉम द विक्टोरियस कैंपेन अगेंस्ट रेबल्स इनकाउंटर्स थ्री वियर्ड सिस्टर्स और विचेज दोनों मैकबेथ और बैंको इनको विचेज दिखती है अपॉन ही प्रो, प्रो, प्रोफेसी दैट मैगवेथ शेल बी थीन ऑफ काउडर वो उनको पता चलता है कि जो थेन ऑफ काउडर कौन बनेगा मैकबैथ बनेगा राइट एंड किंग देयर आफ्टर दैट बैंको शेल बिगेट किंग्स थ्रो दो Immediately afterwards comes कम्स द न्यूज दैट द has created Macden thin ऑफ काउडर अब थोड़ी दिनों बाद न्यूज आती है कि जो किंग है वो Macbeth को thin ऑफ काउडर बना देती है जो witches ने बोला था Stimulated बाय द प्रोफेसी एंड स्पर्ड ऑन द लेडी मैकबेथ जो लेडी मैकबेथ होती है वो उसको स्पर्क कर देती है कहती है कि ओके जो थी वो तो बिल्कुल सही थी मैकबेथ मर्डर्स डंकन मैकबेथ क्या करता है डंकन डंकन जो किंग है उसको मार देता है हु इज ऑन अ विजिट टू हिज काशल जो वहां पे विजिट करने के लिए आया होता है डंकन सन मैलकन और डोनल बेन स्केप और जो मैलकम और डोनल बेन है वो दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं डंकन के बेटे एंड मैगबैथ अज्यूम्स द्राउन और मैगबैथ बन जाता है वहाँ पे आ, किंग बन जाता है मैकबैथ टू डिफीट दोफेसी ऑफ द विच इज रिगार्डिंग बैंको ही ऑर्डर द मर्डर ऑफ बैंको एंड ही सन फ्लियांस बट दैटर स्केप्स और बैंको और उसके सन को मारने के लिए जब मैकबैथ uh, भेजता है आर्मी तो वो फ्लियांस जो है वो भाग जाता है हाउंटेड बाई द घोष्ट ऑफ बैंको बैंको का जो भूत होता है वो उसको हाउंट करता है बार बार आके उसे डराता है मैकबेथ मैकबैथ वियर्ड सिस्टर्स फिर जाता है वहाँ पे और जो वियर्ड सिस्टर्स थी उनसे कंसल्ट करता है एंड इज टोल्ड टू बी ऑफ मैकडफ और वो कहता है कि मैकडफ जो नेक्स्ट है थेन ऑफ फाइव। इससे क्या करना आप बच के रहना ये वो विचेस बोलती हैं मैकबेथ को दैट नन बॉर्न ऑफ वुमेन हैज पावर टू हार्म मैकबेथ तो जो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है वो कहती है कि जो विचेज होती हैं वो कहती हैं कि आप ऐसे इंसान से बच के रहना कि जो किसी वुमेन के थ्रू पैदा ना हुआ हो मैगवेद एंड दैट ही है नेवर विल बी वैंकविस्ड टिल बर्नम वुड शेल कम टू डन शेन तो जो बर्नम वुड है वो डन शिन तक नहीं आते तब तक आप क्या मत होना Means, uh, तब तक आपको नहीं मारा जा सकता सो हियर लर्निंग दैट हैज ज्वाइन मेलकम मेलकम और मैकड दोनों क्या हो गए हैं एक साथ मिल गए हैं हु इज गैदरिंग एन आर्मी इन इंग्लैंड इंग्लैंड में वो एक आर्मी इकट्ठा कर रहे होते हैं हिस सरप्राइज इज दर्शल ऑफ मैकडव एंड कॉस लेडी मैकडव एंड हर चिल्ड्रन टू बी सलॉटेड और जो मैकडफ है और जो लेडी मैकडफ है लेडी मैगडफ और हर तो उसके दोनों को बच्चों को मार दिया जाता है लेडी मैकबेथ गोज मैड एंड डाइस जो लेडी मैकबेथ है वो हाउंटेड होती है बार बार और मैड होकर मर जाती है पागल होकर मर जाती है द आर्मी ऑफ मैलकम एंड मैगडफ अटैक्स मैकबेथ अब जो मैलकम और मैगडप दोनों की आर्मी होती है वो मैकबेथ को मैकबेथ पे अटैक करती हैं पासिंग थ्रू बर्नम वुड एवरी मैन कट्स अ बो सारे लोग जो बर्नमवुड होती है वहाँ से सारे लोग एक 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 वो काटते हैं एंड अंडर दीज लेवी स्क्रीन मार्चेस ऑफ डनसी और मार्च करना शुरू कर देते हैं सारे लोग एक साथ मैकडफ हु वाज फ्रॉम हिज मदर्स होम अन टाइमली रिप्ड किल्स मैकबेथ और जो मैकडफ होता है वो मार देता है किसको मैकबेथ को क्योंकि उस बाई सिजेरियन उसको उसका बर्थ होता है सो मैकडेफ मैकबेथ को मार देता है यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको याद नहीं होता कौन किसको मारता है तो यहाँ पे एम ए एम ए से आपको याद रख सकते हैं मैकबेथ मैकडेफ ऑल राइट मैलकम इज़ हेल्ड किंग ऑफ स्कॉटलैंड और जो मेलकम है उसे किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना दिया जाता है अब बात करते हैं किंग लियर की ये भी एक आपकी ट्रेजिडी है और सोर्सेज क्रॉनिकल किंग लिया ये एक जो क्रॉनिकल था किंग लिया उससे लिया हुआ है क्रॉनिकल्स ऑफ हॉलिंडशिट जो इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है जॉर्ज फैरियर्स मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट आपको याद रखना है एंड दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ दैट कैरेक्टर्स इंग्लिश हिस्ट्री रिकाउंट्स देयर डाउनफॉल इन वर्स द बुक वॉज ऑरिजिनली बिगन एज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द लिटगेट्स फॉल ऑफ प्रिंसेस दी ग्लूसटर सब प्लॉट ड्राइव्स फ्रॉम सिडनीस आर्केडिया जो ग्लो सब प्लॉट है वो सिडनी के आर्केडिया वर्क से लिया हुआ है जो पोइट्री है और यहाँ पे चलो बात करते हैं अब इसकी समरी के बारे में जो लियर है किंग ऑफ ब्रिटेन है पेटिलेंट एंड अनवाइज ओल्ड मैन वो एक बूढ़ा इंसान है हैज़ थ्री डॉटर्स उसकी तीन डॉटर होती है एक होती है गॉन्ड्रिल वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ एल्बनी रीगन द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ कॉर्नील और द कॉडिलिया फॉर होम द किंग ऑफ फ्रेंस एंड ड्यूक बर्क आर शूटर्स तो तीन उसकी बेटियाँ हैं गोनेर गॉनरिल कॉडिलिया और रीगन इंटेंडेड टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग द डॉटर्स अकॉर्डिंग टू देयर अफेक्शन फॉर हिम ही बिट्स दैम से विच लवस हिम मोस्ट तो वो सोचता है कि मैं अपनी बेटियों में अपना किंगडम जो है उसे डिवाइड कर लूँगा और वो तीनों बेटियों को बुलाता है और उन्हें पूछता है कि आप अपने तरीके से बताओ कि कौन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है जो गॉनरल है और रीगन है मेक प्रोफेशन ऑफ एक्सट्रीम अफेक्शन एंड ईच रिसीव्स वन थर्ड ऑफ द किंगडम दोनों के दोनों एक्सट्रीम अफेक्शन वहाँ पे शो करती हैं लेकिन जो कॉडिलिया है वो सेल्फ विल्ड है एंड डिस्कस्टेड विद देयर हॉल ऑफ फ्लैटरी दोनों के दोनों जो खाली उन्होंने झूठे वादे किए थे उनसे उसे नफरत होती है और कहती है कॉडिलिया बिल्कुल सच कहती है शी सेज लव्स हिम अकॉर्डिंग टू हर ड्यूटी नॉट मोर नॉट लेस वो कहती है कि मैं आपको एज अ फादर जितनी मेरी ड्यूटी है उतना ही आपको प्यार करती हूँ वो सच्चाई कहती है फ्यूरिएटेड विद दिस रिप्लाई इससे वो गुस्सा हो जाता है लियर डिवाइड्स और पोर्शन बिटवीन हिज अदर डॉटर्स विद द कंडीशन डेट हिम सेल्फ विद हंड्रेड नाइट्स शेल बी मेनटेन बाई ईज डॉटर इन टर्न और वो उसे भी डिवाइड कर देती है अपना कर देता है लियर दोनों बेटियों में और कहता है कि हंड्रेड जो नाइट्स हैं वो मेरे साथ रहेंगे ओके नाउ बगेंडी विद ड्रोस हिज स्वीट फॉर कॉडिलिया एंड द किंग ऑफ फ्रांस एक्सेप्ट हर विदाउट डाउरी और कोडेलिया जो है वो फ्रेंड्स का जो किंग है उसके साथ में चली जाती है क्योंकि वो विदाउट डाउरी उसको यूज आ, उसको एक्सेप्ट कर लेता है द दल ऑफ कैंट टेकिंग हर पार्ट एज बेनिस्ट गोनेडल एंड रीगल दे दियर हार्टलेस कैरेक्टर बाई ग्रजिंग देअर फादर द मेंटेनेंस दैट ही हैड स्टेपलेटेड अनटिल एनरेस्ड ही रशेज आउट डोर्स इन दम अब गवर्नर ऑफ रिगन से अपने फादर से बहुत बुरा बिहेव करती हैं और वो तूफान के मीन्स दिन बाहर चला जाता है ऑल ऑफ ग्लूसेस्टर शोज पिटी फॉर द ओल्ड किंग ऑल ऑफ ग्लूसेस्टर है उसे किंग पे दया आती है एंड इज सस्पेक्टेड फॉर कॉम्प्लिसिटी विद द फ्रेंच हु हैव लैंडेड इन इंग्लैंड हिज आइज़ आर पुट आउट बाय कॉर्नवॉल हु रिसीव्स आर डेथ वे ग्लूसस्टर सन एजर हु हैज बीन ट्रोड्यूस्ड टू हिज फादर बाई हिज पास्ट्रदर एडम टेक्स इन डिस्गइज ऑफ लोनेटिक बैगर तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो एजर है यह एडगर है जो लूनेटिक बैगर बनता है वो कौन बनता है वो ग्लूसस्टर का सन एजर होता है एंड टें फादर टिल द लेटेस्ट डेथ जब तक कि दूसरे की डेथ नहीं होती तब तक वहाँ रहता है लिया होम रोइ एंड इल ट्रीटेड हैव डिप्राइव्ड हिज वेड्स इज कन्वेड टू डावर बाय द फेथफुल कैंट इन डिस्काइड जो फेथफुल कैंट है उसके साथ में रहता है वो ही बिकम्स मेड लियर बिकम्स मेड लेटर जो इल ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाता है वेयर कॉडिया रिसीव्स हिम कॉडिलिया उसको अपने पास ले लेती है मीन वाइल गिल एंड रीगर देयर अफेक्शन टू एडम अब जो गोनरिल और रीगन हैं दोनों के दोनों एडमन को अफेक्शन अपना दिखाती हैं इम्बिटेड बाय दिस राइवलरी गोनरिल पॉइजन रीगन और जो गोनरिल है वो क्या कर देती है रीगन को जहर देती है एंड टेक्स हर ओन लाइफ और खुद की लाइफ भी ले लेती है द इंग्लिश फोर्सेज अंडर एडमिन एंड एल्बनी डिफीट द फ्रेंच जो एडमिन और एल्बनी होती है दोनों की जो फोर्सेज होती हैं वो फ्रेंच को डिफीट करती है एंड लियर एंड कॉर्डिलिया आर इम्प्रेसिंग जो लियर और कॉर्डिलिया हैं वो दोनों को भी जेल में डाल दिया जाता है बाय एडमस ऑर्डर कॉर्डिलिया इज हैंग्ड एंड लियर डाइज फ्रॉम ग्रीफ के कॉर्डिलिया को भी हैंग कर दिया जाता है फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और लियर जो है वो दुख से मर जाता है द ट्रेचरी ऑफ एडमंड इज प्रूव्ड बाय हिज ब्रदर एज और उसके बाद क्लेसिस्टर्स हार्ट हैज two extremes of passion joy and grief worst smilingly so you have to remember Albany who has not abated Gonril in her cruel treatment of Lear takes over the kingdom oh ye pura kingdom le leta hai, Albany now in next one we will be talking about all works by Shakespeare in part fourth. so hopefully you liked it uh, See you in next part of this video.